मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू आमी क्रेजी सरका, मेरा नाम है रुजा। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं बोमबिल फ्राई की रेसिपी। बोमबिल को हम इंग्लिश में बॉम्बे डक बोलते हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। एकदम मस्त क्रिस्पी बोमबिल फ्राई आप घर पे बना सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में मस्त बोमबिल फ्राई बना के खा सकते हो। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। और एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, मेरा एक कॉमेडी चैनल भी है एमी का कॉमेडी तड़का के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एवरी वीक मेरा फनी पार्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं बोमबिल फ्राई की रेसिपी, इसको हम बॉम्बे डक बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए 6 बोमबिल लिए हैं, ये पूरा ऐसे बोमबिल आता है पूरा इस तरीके से। तो इसको मैंने देखिए इस तरीके से सेंटर से कट किया है, अच्छे से साफ पानी से धो के इसको क्लीन भी कर लिया है। तो देखिए सेंटर से कट करके कुछ आपको ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे 6 बोमबिल को मैंने इस तरीके से कट करके रखा है, और यहाँ पे जो सेंटर पोर्शन होता है उसको भी क्लीन करना होता है चीरा लगा के, और बाकी जो साइड साइड का रहता है उसको भी क्लीन करना होता है। तो मैंने यहाँ पे क्लीन करके रखा है, आप जहां से बोमबिल लेते हैं वो भी आपको क्लीन करके दे देगा अगर आप उसको क्लीन करने के लिए बोलोगे तो। 6 बोमबिल को इस तरीके से कट किया है मैंने, क्लीन कर लिया अच्छे से। 2 बड़े चम्मच यहाँ पे रेड चिली पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, नमक लेंगे स्वादानुसार, रवा लिया यहाँ पे, इसे अच्छा क्रिस्प आएगा तो 1 बड़ा चम्मच रवा लेंगे, चावल का आटा लेंगे यहाँ पे तो 3 से 4 बड़े चम्मच चावल का आटा लेंगे, और तेल लगेगा हमें बोमबिल को फ्राई करने के लिए। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। एक प्लेट में हम बोमबिल को निकाल लेंगे, सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, नींबू का रस मिला लेंगे अच्छे से, नमक और नींबू के रस को, ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छे से बोमबिल में उतर जाए। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, अब इसे हम ढक के आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाला अच्छे से बोमबिल को लग जाए। आधे घंटे के बाद आगे का प्रोसीजर करेंगे। आधा घंटा हो गया है, बोमबिल भी अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं, तो अब चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। एक प्लेट में सबसे पहले चावल का आटा निकाल लेंगे, सूजी डाल देंगे इसमें, मिला लेंगे दोनों को अच्छे से। सूजी डालने से एक अच्छा बहुत ही अच्छा क्रिस्प आता है, आप चाहे तो सिर्फ चावल के आटे से भी इसको फ्राई कर सकते हैं लगा के। एक पैन रख देंगे प्री हीट कर लिया उसको, उसमें हम डालेंगे तेल, तो 2 से 3 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे तेल डाला है। तेल को हम हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म करेंगे, अच्छे से तेल गर्म होने के बाद ही इसमें बोमबिल डालेंगे। अब हम बोमबिल को आटे से कोट करेंगे और एक्स्ट्रा आटा डस्ट कर लेंगे बाहर। तो यहाँ पे देखिए तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, बिल्कुल एकदम हाई फ्लेम पे गर्म किया है इसको। अब इसमें डाल देंगे एक एक बोमबिल को, सावधानी से डालेंगे क्योंकि तेल बहुत गर्म है। और इन बोमबिल को हमें करना है मीडियम से हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, इसको हम लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे वरना ये क्रिस्पी नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 से 4 मिनट को बोमबिल एक साइड में हमने फ्राई किया, अब हम इसको टर्न करेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर से भी जो है उसका कलर जो है चेंज हो रहा है, टर्न कर देंगे बोमबिल को। तो यहाँ पे देखिए सभी बोमबिल को हमने टर्न कर दिया है मीडियम हाई फ्लेम पे, हम इसको भी फ्राई कर लेंगे दूसरी तरफ से। तो ये सीक्रेट है बोमबिल फ्राई करने का कि आपको लो फ्लेम पे नहीं बल्कि मीडियम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है अगर आप चाहते हैं क्रिस्पी बोमबिल फ्राई करने के लिए। 3-4 मिनट तक हमने दूसरी तरफ भी इसको अच्छे से फ्राई कर दिया है, तो अभी रेडी हो गई है बोमबिल, पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी बोमबिल फ्राई हो गई है। इसको हम निकाल लेंगे पेपर टॉवल से, बोमबिल को निकाल लेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाएगा इससे। अब सेम पैन में और 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, और बचे हुए बोमबिल भी हम सेम इसी तरह से आटा लगा के फ्राई करेंगे। तीन मिनट तक इन्हें भी हम मीडियम से हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे दोनों तरफ। तो देखिए ये बोमबिल भी जो है हमारे तैयार हो गया है, तो गैस को अब बंद कर देंगे और इसको सर्व कर लेंगे। तो देखिए बोमबिल को हमने इस तरीके से सर्व कर दिया है, तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है, कम इन्ग्रीडियंट्स में कितना टेस्टी आप फिश फ्राई कर सकते हो। बस कुछ खास टिप्स का ही ध्यान रखें इसको फ्राई करने का तरीका, वो ही इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो आप भी मेरी सिंपल सी रेसिपी को जरूर ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी डिश पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है, उसको प्लीज प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो।